के अंदर आर्टिफिशियल भूतों से आपकी मुलाकात होगी और वो भूत बड़े ही ड्रामे होंगे। मैं उन्होंने मुझे अप्रोच किया था, मैंने उनको अप्रोच किया था। तो गाइस ये है बच्चों का प्ले जोन। Rest in peace. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिल्ली के ब्लॉगर्स। और आज हम लोग जा रहे हैं कड़कड़डूमा। कहाँ जा रहे हैं कड़कड़डूमा में? क्रॉस रिवर मॉल। हम जा रहे हैं क्रॉस रिवर मॉल, तो आज हम आपको लेकर चलते हैं क्रॉस रिवर मॉल और हम वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि कैसा है दिल्ली का क्रॉस रिवर मॉल कड़कड़डूमा का। चलो तो मिलते हैं आगे वीडियो। तो गाइस फाइनली हम मॉल के लिए निकल चुके हैं, ऑन द वे हैं, तो मिलते हैं आपसे मॉल पहुँच कर और दिखाते हैं और बताते हैं कैसा है हमारे यहाँ का क्रॉस रिवर मॉल। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हे गाइस, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं क्रॉस रिवर मॉल। अब हम आपको दिखाएंगे कैसा है यहाँ का क्रॉस रिवर मॉल। तो गाइस वैसे तो प्लान हमारा मैकडी आने का है और देखते हैं मैकडी में हमें क्या मिलता है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम मैकडी जा रहे हैं। पिछले व्लॉग में भी आपने देखा होगा कि हम जो गए थे सिर्फ बर्गर किंग गए थे और वो मैं अपनी वाइफ के साथ था और आज मैं अपनी सिस्टर्स के साथ हूँ। तो आई होप कि आपको व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। तो मैं आपको अब दिखाता हूँ मॉल के और एरियाज जिसमें हम जाके बहुत मस्ती करने वाले हैं। तो गाइस अब हम जा रहे हैं मॉल के दूसरे एरिया में जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, जैसे गेम जोन है और जो मैंने अभी आपको वीडियो में बताया कि बहुत सारे स्पा, वाइन शॉप और काफ़ी सारे स्टोर थे। और हम बाकी फ्लोर्स भी देखेंगे मॉल के, क्योंकि जब आए हैं तो बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय कर जाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद इन लोगों को भी वीक ऑफ मिला इनके ऑफिस से, क्योंकि कहाँ वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा था। तो इसीलिए मिलते हैं आपसे आगे वीडियो में मॉल के दूसरे एरिया में। तो गाइस हम मॉल के दूसरे एरिया में आ चुके हैं। यहाँ से ज़्यादा क्राउड इस तरफ है क्योंकि यहाँ पे चीज़ें भी ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो हम आपको दिखाएंगे कि ये मेरे बैक साइड में कितने सारा क्राउड है, आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी सारे स्टोर्स भी इधर की तरफ, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी इस वीडियो के अंदर। और पॉसिबल हुआ कि गेम जोन ओपन हुआ तो मैं आपको गेम जोन के अंदर भी लेके चलूँगा, ताकि आपको पता लग सके कि क्या क्या गेम्स अवेलेबल हैं। और इस मॉल के बारे में एक खास बात है जो मैं आपको इस मॉल की उसी जगह पर पहुंचकर बताऊंगा। तो मिलते हैं आपसे। तो ये है गाइस वो रास्ता जो हमें लेकर जाएगा गेम जोन की तरफ। पहले गेम जोन में काफ़ी अच्छा क्राउड हुआ करता था, बट अब मुझे लगता है कि क्राउड काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि कोरोना की वजह से, जैसे कि आप जानते हैं, गेम्स को टच करके लोगों को खेलना पड़ता है, तो कम्युनिकेशन डिजीज को करने की वजह से लोगों ने आना कम कर दिया है। तो मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ पर अंदर क्या क्या गेम्स अवेलेबल हैं।
गाइस फाइनली हम मैसेज आ चुके हैं, अब हम सोच रहे हैं कि क्या ऑर्डर करना है, तो री ऑर्डर करने के लिए जा रहे हैं, देखते हैं क्या ऑर्डर करके ला चुके हैं और हम उसके अंदर जा लेते हैं। चाजू का वैसे ज़्यादा मुझे पता है मोस्ट ऑफ पीपल पहले फेवरेट रहता है मैकबुक, तो देखते हैं क्या मंगाते हैं ऑर्डर पर, फिर आपको दिखाते हैं कि हमने ऑर्डर में क्या और क्या डिसाइड किया। गाइस फाइनली हमने री ऑर्डर करने के लिए भेज दिया, देखिए प्लेस कर रही है और दोस्तों रियाज ने ऑर्डर करने गए, मैं आपको मिलवाता हूँ अपने बिड़ू से। और बिड़ू क्या हाल है तेरे? बढ़िया। ये अपना बिड़ू है, ये बिड़ू अपने घर का शेफ है, ये खाना बनाता है और मैं आपको बताऊँ सही में तो ये इतनी मेहनत करता है अगर रात को जैसे कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ फिलहाल में, तो रात को मुझे नींद आती है तो ये बिड़ू 3 बजे चाय बना के देता है। तो बिड़ू क्या करे, करना पड़ता है। ये बिड़ू दोस्तों मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही थी जिस वजह से मैंने ये वाला व्लॉग थोड़ा लेट कर दिया, कोशिश करूँगा जो आगे के व्लॉग्स हों वो लेट ना हो और व्लॉग इसी तरह आप लोगों के लिए आते रहें और आप लोग इंजॉय करते रहें। और अभी हमने उस प्राणी को भेज दिया, वो एक नंबर का ऐसा प्राणी है, वो घर का काम तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता, बस आज भी को मिला है तो घूमने के लिए उसको दे दो, जितना आज भी जिनको है तो घूम रहा है बड़े मज़े से। और अभी घर जाके मैं उसको 2-3 काम बताने वाला हूँ और इसकी शक्ल हो जाएगी बिल्कुल डाउन, बिल्कुल वो होता है ना रोने वाला इमोजी उसकी तरह हो जाएगी। A few minutes later. तो गाइस फाइनली हमारा ऑर्डर आ चुका है और ये किया ऑर्डर पहली बार लाइफ में सही लेकर आई है। हमने ऑर्डर में लिया है 2 आलू टिक्की, 2 मैकपा और 1 कोल्ड ड्रिंक। मेरी तबीयत बेशक ख़राब है बट मैं कोल्ड ड्रिंक पीने से पीछे नहीं हटता, देख रहे हो कितना कोल्ड हो रहा है मेरी वॉइस से, या पहले हम वाली वॉइस में देख सकते हैं। और कोल्ड ड्रिंक इज माई लाइफ एंड इज माई सेकेंड गर्लफ्रेंड। तो मिलते हैं आपसे पेट पूजा करने के बाद आगे हम लोगों में। गाइस तो फाइनली हम मैगी से बाहर आ गए हैं और आप लोग भी देख सकते हो गाइस कोरोना ने कितना इफेक्ट किया है बाकी सारे बिजनेस को, मॉल्स को, थिएटर्स को, देखिए सब कुछ। यहाँ पे मॉल एक ऐसा प्लेस था जो कभी खाली नहीं रहता था बाकी देश में भी, वीकेंड्स में भी और वीकडेज में भी, बट अभी ये इतना ज़्यादा खाली है कि मतलब आप देख सकते हो कि क्राउड बस स्टार्टिंग में ही है, बाकी जगह क्राउड है ही नहीं। तो गाइस ये खाली कर रहे हैं मॉल के फर्स्ट फ्लोर की तरफ, दिखाते हैं बाकी क्या क्या चीज़ें हैं इस मॉल के अंदर। हम आगे चल के आपको बताने वाले कि वो क्या स्पेशल है, पहले हम आपको दिखा देते हैं इसका फर्स्ट फ्लोर, देखिए महर गाइस जहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, बड़ा रीजनेबल प्राइस पे शॉपिंग कर सकते हैं आप शॉप से। गाइस हम पहुंच चुके हैं मॉल के ऐसे प्लेस पे, ये है स्टेरी हाउस पॉसिबल मॉल का, आप यहाँ पे आके देख सकते हैं किस तरीके से अंदर आर्टिफिशियल भूतों से आपकी मुलाकात होगी और वो भूत बड़े ही डरावने होंगे, कोई आपको नीचे से पकड़ेगा, कोई आपको आगे से पकड़ेगा। और कई बार जब मैं लास्ट टाइम आया था तो मैं गया था इसके अंदर, तो मैंने क्या किया जैसे उसने मुझे पकड़ा मैंने उसको भूसा मार दिया तो वो चिल्लाने लगा, कहने लगा नहीं यार मैं अभी इंसान ही हूँ बस एक मैं भूत का एक्ट कर रहा हूँ। तो बहुत ही फनी मूवमेंट था वो, पर आप मेरे पीछे देख सकते हो लास्ट में वहाँ जाओगे तो मेरा पेंटालून, चलो हम आपको करीब से दिखाते हैं पेंटालून, क्योंकि मेरे हिसाब से पेंटालून से शॉपिंग करना वो इसके लिए सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि जितने भी आउटफिट्स होते हैं ना बहुत अच्छी क्वालिटी के ये लोग प्रोवाइड कराते हैं, तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को भी इसी से करनी चाहिए। देखिए ये हम आ चुके हैं गाइस, बेसिकली पेंटालून जो है वो है एक फ्रेंच ब्रांड, जो क्लोज का एक फ्रेंच ब्रांड है और बेसिकली पैंटालून को जो फ्रेंच पीपल्स होते हैं वो प्रोनाउंस करते हैं पैंटालून, तो जिसका मतलब होता है ट्राउज़र, जो हम नॉर्मल फॉर्मल ट्राउज़र पहनते हैं उन लोगों को पैंटालून बोलते हैं, तो उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। तो ये लोग जैसे ही काफ़ी सारी चीज़ों को ऐसे ही करके बोलते हैं, जैसे आप काफ़ी सारे वर्ड्स इनके जो है आपको ये सिमिलर बोलने लगे, लेकिन पहले इनके काफ़ी वर्ड्स अलग हुआ करते थे, जैसे वो थैंक यू को मर्सी बोलते हैं और मतलब काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश वर्ड से प्रोनाउंस नहीं कर पाते और इस
इसलिए इन्होंने अब हमारे यहाँ के वर्ड चेंज हो जाते हैं, जैसे हम लोग बोलते प्रोनाउंस करते हैं पेरिस, और ये अपनी सिटी पेरिस को प्रोनाउंस करते हैं पारी। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे तो मैं ब्लॉग्स बना रहा हूँ, बट अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो मैं फ्रेंच भी टीच करता हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो जो जो इंटरेस्टेड है वो मुझे बताए, तो फिर हम उस हिसाब से एक फ्रेंच का चैनल भी शुरू करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों की हेल्प करूँ कि किस तरीके से फ्रेंच की स्टडी की जाती है और क्या क्या उसका स्कोप है। तो मिलते हैं आगे वीडियो में आपसे मॉल के बाकी फ्लोर्स पर। जो बात फास्ट में आपको बताने वाला था वो फाइव बात ये थी कि मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट मॉल जरूरी है। इससे मैंने लास्ट डोज में आपको मिलवाया था मेरी वाइफ से, वो मुझे इसी मॉल के अंदर उन्होंने मुझे अप्रोच किया था और मैंने उनको अप्रोच किया था सेम किसी प्लेस पे इसी जगह पर किसी रेली के पास में खड़े होकर उन्होंने मुझे अप्रोच किया था। इसलिए मॉल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात आज से कम से कम 6 साल पहले की है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा 8 अगस्त में उन्होंने मुझे अप्रोच किया था 3:15 पर यहीं पर सेम इसी प्लेस पे। तो ये मेरे लिए बहुत ही खास मॉल है और आज हम लोग साथ में इसलिए क्योंकि हमारे पेरेंट्स इतने अच्छे हैं, क्योंकि अगर हम अपने पेरेंट्स के आगे बात रखती है तो वो हमारी ज़रूरत नहीं है। तो आज इन लोगों ने हम लोगों का एक रिश्ता बना दिया जो मैं हमेशा से चाहता था। गाइज आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगा और हम आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।